हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कैसे हम इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में स्वागत है। हमारा जो टॉपिक अभी तक चल रहा था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज जो हमारा टॉपिक हम अपना शुरू करने जा रहे हैं, वो टॉपिक जब हम हिंदी से अंग्रेजी में वाक्यों का अनुवाद करते हैं तो उसके लिए इस टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो देखिएगा, आज आपको बताते हैं यूज ऑफ देयर एंड इट। जब आप स्टोरी बनाते हैं तब भी इनका प्रयोग प्रायः होता है। तो सबसे पहले तो रूप देखते हैं जिन वाक्यों में किसी चीज का होना या ना होना समझा जाए, इनको आरंभ करने के लिए देयर का प्रयोग करो। तो सबसे पहले आप इस रूल को ध्यान से देखिएगा, जिन वाक्यों में किसी चीज का होना या ना होना समझा जाए उनको आरंभ करने के लिए देयर का प्रयोग करो। जैसे कि वाक्य आपका लिखा हुआ है, मेरी जेब में 5 रुपए का नोट है। ध्यान से देखिएगा, समझ सकते हैं। तो हम आपसे कहते हैं मेरी जेब में 5 रुपए का नोट है। देखा आपने? नहीं देखा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। 5 रुपए तो जेब में रख ही सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता। 5 रुपए का नोट नहीं हो सकता है, अधिक हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो नियम क्या है, जिन वाक्यों में किसी चीज का होना या ना होना समझा जाए उनको आरंभ करने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, ऐसे वाक्यों में क्रिया प्रायः अपूर्ण होती है। क्रिया प्रायः अपूर्ण होती है, इसको कह सकते हैं अनकम्प्लीट, अर्थात कम्प्लीट नहीं होती है, और सब्जेक्ट क्रिया के पश्चात आता है। जो आपका सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होता है वो क्रिया के बाद आता है और वो पूरक बन जाता है, अर्थात पूरक का कार्य करता है। उसके बाद में फिर नंबर 3 पे आप देखिएगा, इन वाक्यों में देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, और यह इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहलाता है। उसके बाद में नंबर 4 आप देखिएगा, देयर के पश्चात वर्ब टू बी, वर्ब जो टू बी होती है, इज आर वाज वर्ब में से कोई एक लगाओ तथा फिर सब्जेक्ट को लिखो। वाक्य का आप टेंस देखेंगे और उसके अनुसार ही आपको इज आर वाज वर्ब का प्रयोग करना है। फिर आगे आप देखिएगा, देर के पश्चात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब भी आ जाता है। देर के पश्चात कई बार ऐसा होता है वर्ब टू बी ना आकर के पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब अर्थात वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी आ जाती है। उसके बाद में फिर आप देखिएगा रूल नंबर 6, कभी कभी देर का प्रयोग वर्ब के मध्य में होता है। तो अब सभी रूल आपको जो सभी रूल बताए हैं वो देखिएगा, उन्हीं के माध्यम से वाक्य को बनाते हैं, बिल्कुल बनेगा। तो मेरी जेब में 5 रुपए का नोट है, तो आपको पहले बता चुके हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले देयर और उसके बाद में प्रेजेंट में है तो आपको क्या करना है, इज। हाँ, अब यहाँ पे इज क्यों लगा है, क्योंकि 5 रुपए का एक नोट है, तो देयर इज अ 5 रुपी नोट। और कहाँ है नोट, इन माय पॉकेट। तो आप देख लीजिएगा शुरुआत देयर से हुई है, लेकिन यहाँ पे देयर का अपना कोई अर्थ नहीं है, केवल इंट्रोडक्टरी एडवर्ब का कार्य कर रहा है। और यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग हुआ है, अर्थात जो आपका सब्जेक्ट था 5 रुपए का नोट, वो आप देख लीजिएगा नोट एक ही था, तो इसीलिए यहाँ पे इसका प्रयोग हुआ है। फिर आप देखिएगा, जंगल में एक शेर था। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जंगल में एक शेर था, आपने देखा नहीं देखा, हो भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो ऐसे वाक्यों को स्टार्ट करने के लिए इसका प्रयोग करना है देयर का। और उसके बाद में फिर आप देखिएगा शेर कितने हैं, एक, और उसके बाद में पास्ट में है, तो आपको देयर वाज अ लाइन, देयर वाज अ लाइन, और कहां है तो इन द फॉरेस्ट। और उसके बाद में जो आपका पांचवा नियम था, देयर के पश्चात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब भी आ जाता है, अर्थात वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी आ जाती है। और उसके बाद में जो आपका रूल छठा है, ये रूल अगले वीडियो में आपको बताएंगे, और जो रूल छठा है, कभी कभी देयर का प्रयोग वाक्य के मध्य में भी होता है। तो आप देख लीजिएगा वो कैसे, जैसे एक समय एक राजा था, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक समय एक राजा था, तो आपने राजा देखा नहीं देखा,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहले बता चुके हैं कि मैथों में किसी चीज का होना या ना होना समझा जाए तो, और उसके बाद में जो आपका रूल है कभी कभी देर का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है तो कैसे, तो देख लीजिएगा वंस वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, और उसके बाद में फिर आएगा देयर। अब ये वाक्य के मध्य में आ गया देयर, और उसके बाद में पास्ट में है तो वाज अ किंग। और अभी निगेटिव और इंट्रोगेटिव के आपके रूल बचे हुए हैं तो साधारण तौर पे आपको बता देते हैं, हालांकि जब यूज ऑफ इट का प्रयोग आपको बताएंगे तो कंप्लीटली बताएंगे, लेकिन साधारण तौर पे बता देते हैं। जैसे अगर वाक्य नकारात्मक हो निगेटिव हो तो वर्ब टू बी के बाद में आपको नॉट या नो का प्रयोग करना है वाक्य के अर्थ के अनुसार, और अगर बाई चांस ऐसा है कि इंट्रोगेटिव है तो आपको क्या करना है, वर्ब टू बी या पास्ट इंडेफिनिट में है तो साइड क्रिया डिड देयर से पहले प्रयोग करना है। तो जब आपको यूज ऑफ इट अगले वीडियो में बताते हैं तो उसमें आपको रूल भी बता देंगे और वाक्य प्रयोग भी बता देंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर आप रूल जो है नोट्स बना रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।